पहले जब हम वैक्स करते थे तो वैक्स को जो है हीटर में गर्म करके और नाइफ की हेल्प से वैक्स लगाते थे और पट्टी जो है खींच के वैक्स करते थे। लेकिन मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, उसमें ये इस तरीके की रोल ऑन मशीन हीटर जो मैंने अभी दिखाया आपको ये देखा और मुझे बड़ा इजी लगा। मेरा मन किया कि मैं भी इस तरीके की जो है वैक्स हीटर रोल ऑन वैक्स हीटर लेकर आऊँ और तो इससे वैक्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जो मैंने रील देखी उसमें बहुत ही ईजी स्मूथली बहुत ही फटाफट से वैक्स हो रही थी, तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने सोचा मैं भी लेकर आती हूँ मार्केट से और मैं भी इस तरीके से वैक्स करूँगी। तो आप लोग देख रहे हो मैं ये मार्केट से ख़रीद कर लाई। मैं अभी आपको इसका सही अच्छे से रिव्यू बताऊँगी कि ये आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, इसकी रियलिटी क्या है और इसे हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इजी है हमारा वैक्स करना या फिर और भी कठिन हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो मैं ये लाई थी 750 750 रुपये की मैं ये मशीन लेकर आई। और ये जो इसके अंदर वैक्स आती इसके साथ में ही आती है वैक्स की जो स्ट्रिप है ये पट्टी वैक्स का जो इसके अंदर डलेगा ये रीका वैक्स की तरह है। रीका वैक्स तो नहीं है बट बिल्कुल जो है देखने में रीका वैक्स की तरह ही है ये। तो इस तरीके से हम लोग जो है 150 रुपये की शायद ये अलग से थी और 600 का ये, तो ये 750 का हो गया था दोनों। तो इसमें एक ये लीड भी है लगाने की जो कि हम लोग लाइट में लगाएंगे और जो है गर्म हो जाएगी। इसके अंदर दो प्लेट हैं जो कि गर्म हो जाती हैं और इसको जो स्ट्रिप को इसके अंदर डालो तो ये जो गर्म होता है लाइट में लगाने के बाद तो ये डायरेक्ट इसी से लगाते हैं। इसके ऊपर जो है ये देखिए हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे लाइट में और ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। तो इस पर लिखा हुआ था कि बहुत फटाफट से वैक्स हो जाएगी, लगभग 10 या 20 मिनट हमें इसे लगाना पड़ेगा और गर्म हो जाने के बाद जो है बहुत वैक्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे वैक्स करना आसान होता है कि नहीं होता है। पहले क्या हुआ, मैंने इसे लगा कर छोड़ दिया, मैंने सोचा 10 मिनट में गर्म हो जाएगा, फिर ये गर्म नहीं हुआ। इसका जो आगे का जो रोल ऑन है जो घूमने वाला जो है जहाँ से वैक्स निकलती है वो नहीं निकली। तो उसके बाद मैंने सोचा और थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं, तो मैंने 20 मिनट किया, 30 मिनट किया, 40 मिनट किया, 1 घंटा किया। 1 घंटे तक मैंने इसे लगा कर रखा लाइट में कनेक्ट करके, लेकिन ये गर्म नहीं हुई, बिल्कुल हल्का सा। मैंने 2-3 बार चेक किया लेकिन नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइटली मगर चलो देखते हैं कि क्या रिजल्ट है, निकलती है कि नहीं निकलती है। उसके बाद बहुत ही टाइटली, आप लोगों ने देखा होगा जब मैं इस वैक्स लगा रही हूँ तो कितना टाइट खींच रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है इसके अंदर जो वैक्स है, बाल फटाफट से सारे जो है निकल गए, कोई नहीं बचा। लेकिन ये जो लगाने का तरीका है ये देखिए बहुत टाइट ये खींच रही थी, बाल भी खींच रहे थे इससे। वैक्स उतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुई जितनी मतलब होनी चाहिए और इजीली जो है जो इसके सामने जो घूमने वाला जो है रोल ऑन वो घूम जाए और वैक्स जो है इजीली निकल जाए। बहुत टाइट निकल रही थी, बहुत बाल जो है खींच रहे थे, तो बहुत दर्द हो रहा था मुझे, वैक्स जो है बीच में छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने बाकी जो वैक्स है नॉर्मल वैक्स हीटर में गर्म करके दूसरी वैक्स लेकर तब करनी पड़ी, क्योंकि ये अप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हो रही थी। 1 घंटा मैंने लगा कर रखा, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है और उसे अर्जेंट में वैक्स करानी हो तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग 1 घंटा पहले, या तो हमें पता होगी 1 घंटा पहले वैक्स हमें किसी के करनी है तो हम लगा कर छोड़ देंगे। और 1 घंटे में भी अगर ये ऐसा रिजल्ट देती है तो मुझे लगता है कि शायद मुझे दोबारा चेक करनी पड़ेगी, 2 घंटा में इसे लगा कर रखूँगी, क्योंकि मेरे पैसे तो इसमें लग ही गए हैं। देखते हैं फिर इसका क्या, 2 घंटे अगर हम इसे लगा कर रखेंगे देखते हैं कि फिर वैक्स गर्म होगी कि नहीं होगी और इजीली अप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो थोड़ा सा मेल्ट हो गई थी ये वैक्स, बहुत कठिनाई से आप लोग देख रहे हैं बहुत टाइटली खींच रही थी, नहीं हो पा रही थी इससे, तो मुझे वैक्स जो है दूसरी वैक्स से करनी पड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जितना मैंने उस रील में एक वीडियो में देखा था इतनी फटाफट से काम करती है। अब आप लोग देख लेना कि आप लोगों को ये ख़रीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी इसे दोबारा से, शायद 2 घंटे में गर्म हो जाए। बाकी इसका वैक्स का रिजल्ट ठीक है, बाल सारे निकल रहे थे, चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं थी। और बस मैं यही मैंने सोचा मैं ये मशीन लेकर आई हूँ तो इसका मैं आपको बताऊँ कि कई बार होता है ना कि हम लोग रील वगैरह देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर वही चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो है
जो रियलिटी है, जो सच है, मैं अपनी वीडियोस में वही बताती हूँ, ना ही किसी चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, जो सच है वही बताती हूँ। अगर उस चीज़ अच्छी है तो अच्छी बताती हूँ, अगर उसमें कोई एक आध पॉइंट गलत है तो मैं गलत ही बताती हूँ। मैं स्टिक को जो है अभी रख लेती हूँ, देखते हैं नेक्स्ट बार हम इसे गर्म करके दोबारा से क्या रिज़ल्ट होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताएँ।